प्रेज द लॉर्ड। मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में हम प्रार्थना करने आए हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा एनडीटीवी चैनल रविश कुमार जी के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बीते समय में उनको बहुत सारे मैग्सेसे अवार्ड जब मिला और उनके ऊपर बहुत सारे बहुत संपादकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आज मैं उसी विषय में प्रार्थना करूँगा। और मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ये प्रार्थना अगर आप सुनेंगे तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा और उन लोग आप भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि एक वही एक मात्र चैनल है जो हम लोग को सच दिखाता है। और उनके ऊपर आज की जो सरकार है उनके ऊपर काफी दबाव बना रखा है और काफी, या तो आप मेरे पक्ष में बोलिए या आपको ये सब मुसीबत को झेलना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके लिए प्रार्थना करेंगे हम रविश कुमार जी के लिए, एनडीटीवी चैनल के सभी संपादकों के लिए और इस सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे कि सरकार को परमेश्वर मन को बदले और रविश कुमार जी को बहुत ब्लेस करे और सभी मीडिया चैनलों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चलिए आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। चलिए शुरू करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आज के सुंदर पवित्र समय के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर पवित्र दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम लोगों को जीवित रखा। पिता परमेश्वर, तुम महान यहोवा राजाओं के राजा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम लोगों को जीवित रखा। कितने लोग आज के समय पिता परमेश्वर वो जीवित ना हो सके, मेरे पिता परमेश्वर वो मर गए, लेकिन तूने हम लोगों को जीवित रखा। मैं दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर, महान यहोवा राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एनडीटीवी चैनल के सभी संपादकों के लिए पिता परमेश्वर, सभी संपादक और रिपोर्टर के लिए हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। जब वो लोग रिपोर्टर रिपोर्टिंग करें तो उन पर कोई पथराव ना हो ना पाए, कोई सतावा ना हो ना पाए पिता परमेश्वर। इन दिनों पिता परमेश्वर उन लोगों के ऊपर बहुत सारी सतावा हो रही है पिता परमेश्वर। एनडीटीवी चैनल को पिता परमेश्वर बंद करने की धमकी दी जा रही है पिता परमेश्वर। ओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस सरकार को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मोदी सरकार को तेरे हाथों में सौंपते, उनको यीशु के लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। इस सरकार को मन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी इन दिनों समस्या हो रही है पिता परमेश्वर, एनडीटीवी को पे पिता परमेश्वर रविश कुमार जी को बहुत सारी गालियां दी जा रही है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक सच्चे पत्रकार को पिता परमेश्वर तू उन पे दया दृष्टि करता है, एक सच्चे लोगों पे तू अपने अनुग्रह करता है पिता परमेश्वर। और तूने उससे रविश कुमार जी को पिता परमेश्वर एक मैक्स अवार्ड दिया पिता परमेश्वर, एक सच्चे सच्चे न्यूज चैनल होने के लिए पिता परमेश्वर आपने उसे एक नवाजा पिता परमेश्वर, मैक्स अवार्ड देकर पिता परमेश्वर एशिया का अवार्ड दिलवाया पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन दिनों इनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई परेशानी आ रही है पिता परमेश्वर, सभी परेशानी को हम यीशु के लहू में तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। तू कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, जिस मार्ग में तू चलना चाहेगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, जिस मार्ग पे वो चलते हैं पिता परमेश्वर उस पर अगुवाई करें, उन्हें कोई पथराव ना होना पाए। एनडीटीवी के सभी चैनल सभी पत्रकार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और सभी चैनलों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों सभी चैनल जो भटक गए हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग भी सच दिखाएं पिता परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, तू महान यहोवा राजाओं के राजा, सभी चैनलों को भी तेरे हाथों में, न्यूज चैनलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस देश इस राज्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस कंट्री को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस कंट्री को छुपाइए, हर एक शैतानी ताकत से इसे बचाइए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे सर्वशक्तिमान खुदा बन खुदा, तू इस प्रार्थना को सुनना, तूने डैनियल का प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर। जब डैनियल पिता परमेश्वर जब परेशान था तो रहता था और वो अपनी कोठरी में बंद होकर प्रार्थना करते रहता था पिता परमेश्वर, तूने उनकी प्रार्थना को सुना। उसी तरह पिता परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं रविश जी के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें कोई चीज की कमी घटी ना होना पाए, वो ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से नूह एक ईमानदारी के साथ वो सभी पापों लोगों से दूर रहा
पाप से दूर रहा पिता परमेश्वर, तूने उन पे करुणा दृष्टि रखा, तूने उन पे दया किया पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर रवीश जी को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, और इस देश को अच्छी रीति से चलाना पाए पिता परमेश्वर, ऐसा मैं दुआ में मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे सर्वशक्तिमान, इस प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं खुदा बाप, उन्हें भी ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उसे भी आशीषित कीजिए। अगर ये प्रार्थना पिता परमेश्वर रवीश NDTV चैनल के पास ये पहुंचे पिता परमेश्वर, तो NDTV जब वो सुने पिता परमेश्वर, NDTV के रवीश जी सुने और उन सभी पत्रकार सुने पिता परमेश्वर, तो उन पे भारी आवेश, भारी आशीष उनके ऊपर इसी क्षण उतरना पाए पिता परमेश्वर, उन्हें इसी समय ब्लेस करने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र 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 पवित्र, तू पवित्र है, तू पवित्र पिता परमेश्वर। हम लोग तो पापी इंसान है पिता परमेश्वर, लेकिन तू अपनी करुणा दृष्टि हम पे बनाए रखता है पिता परमेश्वर। ओ मेरे सुशक्ति, तू भले और बुरे दोनों पे सूर्य उदय करता है पिता परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, तू महान है पिता परमेश्वर, तू दयावंत है। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए NDTV चैनल पे पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, वो बंद ना होना पाए पिता परमेश्वर। उन पे जो केस चल रहा है NDTV पे ऊपर पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है पिता परमेश्वर, उसे दूर होना पाए। हाँ मेरे सुशक्ति, उनके NDTV चैनलों को मालिकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, आप इस प्रार्थना को सुन रहे, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर आप इस प्रार्थना को सुन लिए मेरे पिता। ओ स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल NDTV चैनल को ब्लेस करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री को ब्लेस करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री को ब्लेस करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। उन सभी को बुद्धि को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना को सुने उसके धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, और आप अपने चर्चों में भी NDTV रवीश जी के लिए प्रार्थना कीजिए, और NDTV के सभी संपादकों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इन दिनों उनके जीवन में बहुत ही परेशानी से साथ गुजरना पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक बना हुआ है JesusWorld.co, उस पर जाकर आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन मिलेगा बहुत सारे पढ़ने को, उस पर जाइए पढ़िए और बहुत आशीष